केसर धाम का मेन गेट, और अभी मैं चलूँगा अंदर और अंदर दिखाऊंगा आपको पूरा ये लोकेशन और मंदिर का अंदर का पूरा व्यू आपको दूंगा मैं। बाहर का इसका हाईवे है बाहर ये, और अभी चलते हैं अंदर और अंदर दिखाऊंगा आपको मंदिर और मंदिर का पूरा अंदर का जो लोकेशन है। इस साइड में आप देख रहे होंगे ऐसे झूला लग रहा है, और इस साइड एक पुलिस की चौकी है, जैसे कि जब भी कभी भी कोई मेला वगैरह होता है तो यहाँ पे पुलिस वगैरह रहती है देखरेख के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर, मंदिर है और उस साइड भी एक रोड है, यहाँ पे काफ़ी दुकानें वगैरह लगती हैं जब मेला वगैरह होता है कोई। तो अभी कांवड़ का जब मेला था तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है पूरे अलीगढ़ में इस मंदिर पर खिड़सूर धाम पे। तो अभी आप देख रहे होंगे अंदर जो मंदिर है, अंदर भी इसके बहुत सारे मंदिर हैं, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है अलीगढ़ का, सबसे प्राचीन मंदिर है। उधर साइड में वहाँ पे आप जो लोकेशन देख रहे हैं वहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, भंडारे का काम वगैरह, जो भी भंडारा कराना चाहता है भंडारा कराता है वहाँ पे। तो गाइस ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, इसके अंदर मंदिर है और इसमें बहुत सारे मंदिर हैं अंदर। कृष्ण जी का मंदिर है, भोले बाबा का तो मंदिर है ही, खैर ये, और यहाँ पर साइड में दुकान वगैरह है। वहाँ पे मेन मंदिर है अंदर, तो यहाँ पे चलते हैं और दिखाऊंगा वहाँ पे। आप सोमवार के दिन आएंगे तो काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको यहाँ पे, और वैसे नॉर्मल डे कभी भी आ सकते हैं। और यह है घंटा लग रहा है यहाँ पे, घंटा बज कोशिश करते हैं। देखिए पूरा साइड का जो मंदिर का ऊपर का इंटीरियर, ये है गाइस मेन मंदिर, पूरा पीतल का बना हुआ है, इसके अंदर भी पीतल की मूर्ति लगी हुई है। तो अंदर ये इसके गणेश जी की मूर्ति लगी हुई पीतल की, और साइड में ही मूर्ति लगी हुई है उनके जो भाई थे कार्तिक उनकी, साइड में माता की मूर्ति लगी हुई है। ये भी एक महादेव बाबा का ही मंदिर है, उसी के पास में बिल्कुल पीतल की मूर्ति है महादेव बाबा की। और पीछे इसका बैक गेट है, ये पूजा वगैरह होती है यहाँ पे, या कोई मेला वगैरह होता है तो ये गेट खोल दिया जाता है। ऊपर और ऊपर दिखाऊंगा आपको, ऊपर बहुत अच्छा मूर्ति रखी हुई यहाँ पे। ये बहुत अच्छी जगह है, तो गाइस ये है पूरा व्यू मंदिर के अंदर का, और यहाँ पे मेन मंदिर था, मैंने भी दिखाया था आपको महादेव बाबा का, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये साइड में भी मंदिर बने हुए हैं काफ़ी, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है वैसे भी, और सोमवार के दिन अगर कभी भी आप आएंगे तो काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको देखने के लिए यहाँ पर। तो भाई वहाँ पर सामने एक मंदिर है, और उसके नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ पर कुंड बना हुआ है एक, वहाँ पे पानी भरा जाता है, अभी तो पानी नहीं है घर सूख गया है, पानी रहता है वैसे वहाँ पे। तो मैं कुछ बच्चों से आपको मिलाऊंगा जो कि यहीं के रहने वाले हैं, और उनसे पूछूंगा मंदिर के बारे में। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो आप? नांदेड़ के। कौन स्कूल में पढ़ते हो आप? गुरु माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, मंदिर आपको कैसा लगता है ये? अच्छा। और आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? इस मंदिर में बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली से भी आते हैं इस मंदिर में? और मंदिर के बारे में कोई अच्छी बात क्या लगती है आपको, क्या अच्छा लगता है मंदिर में? और इसमें सजावट भी बहुत अच्छी है, और इसमें ठंडा ठंडा पानी भी आता है, और मंदिर सब चीज़ें सही है। तो भाई यहाँ का जो व्यू है ना बहुत अच्छा व्यू है, आना चाहते हैं मंदिर में घूमने के लिए तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत सी जगह है ये, अभी भी आप आएँ, सारे दिन खुला रहता है मंदिर। और ये पीछे ये कान्हा जी का मंदिर है, और उस साइड भी काफ़ी मंदिर वगैरह थे, मैंने आपको दिखाए थे। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
और मुझे वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।